भाई बहुत सुंदर नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा है सामने का। कितना सही लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये रास्ता सीधा स्वर्ग जा रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ ही आ गए यार, दिस इज नेक्स्ट लेवल। ओ मैन, लोकल को नहीं जाने दे रहे। चलो देख के देख के देख के देख के देख के, चोट तो नहीं लगी? कहाँ लगी दिखाओ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रॉम पोखरा। तो आज का जो दिन है वो करते हैं शुरू। ये है होटल बुद्धा लैंड पोखरा का, और आज का जो सफ़र है हमारा वो होगा जॉमसन या फिर बेनी तक का। नहीं, बेनी से तो आगे जाएंगे हम, जॉमसन तक जाएंगे। और ये चल रही है अपनी नेपाल सीरीज, तो आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो जाके देख लेना, काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं, तो सीरीज समझ आ जाएगी आपको कि कैसी चल रही है। और पहले दिन मैंने लगाए थे 750 किलोमीटर, और फिर दूसरे तीसरे दिन के ब्लॉग देखोगे तो समझ आ ही जाएगा। बाकी अपना जो होटल है कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है जी। और ये रहे हमारे दादा। गुड मॉर्निंग दादा, बहुत बढ़िया। और वो रहा हमारा वाइट टाइगर। चलो जी, सामान लोड करते हैं, सामान भी आ चुका है यहाँ पर, और फिर निकलते हैं आगे। लेकिन उससे पहले करना है जी ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे, क्योंकि रास्ते में पता नहीं कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक नेपाली रेस्टोरेंट है जहाँ पर कि कल हमने खाया था, उसमें पूरी छोले काफ़ी अच्छे मिल गए थे। ये लो जी, ये सेट हो गई अपनी बाइक। लेकिन एक दिक्कत आ रही है, यहाँ पर ना एक माउंट होता है और वो माउंट निकल गया है, मतलब सिर्फ दो माउंट पर टिका हुआ ये बॉक्स, और आवाज़ कर रहा है अब कच कच। तो कुछ ना कुछ इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। बेसिकली मैंने अभी तो इसको बंजी कॉर्ड से बांध दिया है, तो और बंजी लगा के इसको सेट करना पड़ेगा। देख रहे हो, ये अभी तो टाइट है लेकिन ये दिक्कत करेगा। अभी तो राइड भी शुरुआत नहीं हुई है ऑफरोडिंग वाली। गुड मॉर्निंग, करते ब्रेकफास्ट। ये देखो भाई, हमने सुबह सुबह पराठा ही मंगाया है, छोला पूरी हमने कल परसों खाया था। दादा क्या मंगाया आपने? ये ब्रेड ऑमलेट। ओके, ब्रेड ऑमलेट। और ये भाई भी पराठे ही खा रहे हैं। चलो यार निकला जाए, काफी लेट हो गए हैं, 10 बजने वाले हैं। एक चीज और हो गई है भाई, कुछ और भी लूज हो गया है, आवाज आ रही है हूं 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 बाइक में से, देख रहे हो क्या बज रहा है यार? ये सुन रहे हो आवाज? अब बढ़ा जाए आगे। जय माता दी आप सभी को भी, और आप सभी का दिन बढ़िया से जाए, और होप्स हो कि हमारा भी बढ़िया से जाए और हम बढ़िया बढ़िया नज़ारे आपको दिखाएं। ठीक है जी, लेट्स गो। कितना मिला? 7,500। 5,000 का मतलब 1.5 करके, 1.5 करके दिया ना, बहुत महंगा कर रहा है ना। बहुत बहुत मतलब वो सुजोग में शॉट व्यवहार किया है, सुजोग में शॉट व्यवहार किया। वो क्या होता है वो? मतलब हम परेशानी में है ना। अच्छा, ओके। ये बोल रहा है कि हम मुश्किल में है ना, इसलिए हमको ठोक दिया। तो ये 1,000 का नोट है। अच्छा, ये 1,000 का नोट है यहाँ का? ओके, हाँ 1,000 का नोट है। तो 10,000 में हमें मिले 15,000 दे रहा है बेसिकली 10,000 में, लेकिन हमने 5,000 ही कराए हैं, तो ज़्यादा ले रहे हैं, अब क्या करें। तो 5,000 करा रहे हैं, आगे देखेंगे कहीं और पे थोड़ा सस्ता होगा तो, क्योंकि कल परसों हमने कराए थे तो वो रेट था 1.58 और यहाँ पे 1.5 दे रहा भाई। चलो जो भी, अब इनकी मर्जी है, क्या कर सकते हैं, अपन भी कुछ नहीं कर सकते है ना। थोड़ा आगे करते हैं बाइक को, तभी बैठ पाऊँगा, यहाँ पर गड्ढा है। ये बड़ा सीन रहता है यार, जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो ना, तो आपको मनी एक्सचेंज करवाना पड़ता है हर कंट्री में जाके, तो वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है। हर जगह ना यूपीआई होना चाहिए, फ़ोन से करो यूपीआई, दे दनादन पेलम पेल है ना, हर कंट्री में हो जाना चाहिए।
ये तो सारे मोड़ रहे हैं यहाँ से, क्या हो गया, रास्ता बंद कर रखा है क्या, क्या सीन हो गया, गन लेके खड़े हैं ये तो। अरे बंजी कॉर्ड लेनी है, बंजी कॉर्ड भी लेनी है। हाँ है, हटना जरा, आगे करो आगे, लग तो रही है। यहाँ पे हो क्या गया, रास्ता रोको हुआ है। अच्छा रास्ता रोको अभियान, भाई गाड़ियाँ लगी पड़ी है तगड़े वाली, कुछ आंदोलन वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे शायद। ये बंजी कितने का है, ये वाला कितने का, 100 रुपीज़। ओके नहीं नहीं ये वाला गोल वाला तेरा दो दे दो। अब क्या है कि पैनियर इनसे बांधना पड़ेगा, थोड़ा महंगा पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे सस्ता पड़ेगा, ओके दो दे दो। आइस मिलेगा कहाँ, मुक्तिनाथ, अच्छा जी हाँ मुक्तिनाथ। ये रास्ता क्यों बंद है, नहीं बना ना इसलिए। 200 ना, 100 और 200 ठीक है। अरे हमें तो निकलने दो यार, टूरिस्ट को जाने दे रहे हैं, हमें लोकल को नहीं जाने दे रहे। चलो देख के बहुत फोर्स है यार यहाँ पे। हाँ थैंक यू। इधर हुआ क्या है, थैंक यू। अरे वही बताने को तैयार ही नहीं है, हुआ क्या है। चलो ठीक है हम तो निकल गए। बाइक के भी नट बोल्ट ढीले हो गए हैं, पैनियर के भी नट बोल्ट ढीले हो गए, मेरे भी हो गए हैं थोड़े बहुत तो इतनी बाइक राइड कर कर के अब टाइट करने पड़ेंगे जल्दी ही। रोड कंडीशन भाई साहब एक नंबर लग रही है अभी तो, ये देख रहे हो फुल चौड़ा हाईवे बना हुआ है और ये है 6 लेन हाईवे भाई गजब। वैसे बेनी तक मेरे ख्याल से रोड बना हुआ है 65 किलोमीटर। ये देखो बंगलिंग लिखा हुआ है 61, जूलाघाट 849 किलोमीटर। अब ये तो जगह मुझे पता भी नहीं है कहाँ पे है कहाँ नहीं है, क्योंकि नेपाल में इतना ज़्यादा मैं घूमा नहीं हूँ, लेकिन ठीक है। अब मुक्तिनाथ जा रहे हैं और अपर मस्तान का परमिट थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ता है, तो इस वजह से भैया अपन ने अपर मस्तान का कैंसिल कर दिया है, क्योंकि उसका करीबन $600-700 के आसपास लग जाता है अगर आप गाइड वगैरह सारी चीज़ें लोगे तो। भाई बहुत खर्चा है, बहुत खर्चा है, इतने में तो बंदा ना पता है थाईलैंड वगैरह मंगोलिया वगैरह घूम के आ जाएगा। जो मेरी कंप्लेंट थी कि भाई नेपाल के रोड बढ़िया नहीं है, लेकिन यहाँ पर भाई एक नंबर फुल मस्ती वाला हाईवे और ज़बरदस्त व्यू है सामने का भी, राइट हैंड साइड का भी, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनी हुई है, पहाड़ी एरिया है पूरा, ब्यूटीफुल लग रहा है। लेकिन एक चीज़ ख़राब कर रही है इस व्यू को, वो है ये बिजली के खंभे, बड़े ही बेकार लगते हैं ये ना, सब अंडरग्राउंड होने चाहिए मेरे ख्याल से। तो पूरे इंडिया में, नेपाल में, पूरे वर्ल्ड में ना ये सारी चीज़ें अंडरग्राउंड हो ज़्यादा बेटर है, तो खूबसूरती ना लैंडस्केप की और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अरे मोदी साहब, मोदी खोला पुल भी मिल गया नरेंद्र दास मोदी खोला पुल ये देखो यार यहाँ पे ना नट ही निकल गया है, पता नहीं लगाया या नहीं लगाया, ये देख रहे हो। अब यहाँ पे नट लगवा रहा हूँ मैं, यहाँ कौन सी जगह है ये, खरेरा पर्वत, ये ना आवाज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा, जाएगा
अपनी बाइक के नट थोड़े टाइट हो गए हैं, दो क्लिप लगा के करा जुगाड़ से। एक्चुअली एक ना टूट गया था। अब देखते हैं आवाज़ करती है कि नहीं करती है। वो वाली आवाज़ नहीं गई जो कड़ 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 कर रही थी, लेकिन जो वाइब्रेशन है ना वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। चलो अब पहले से बेटर है चलाने में। एक्चुअली ओ भाई साहब, अभी हो जाता कांड। शिट, बच गए दोनों। कर क्या रहा है ये समझ ही नहीं आ रहा है। बच गए बिल्कुल। ओ वाओ, क्या सही लग रहा है यार। देख लो ये ब्रिज बना हुआ ऊपर से और वो लेडी जा रही है ऊपर। यही है क्या कुसुमा ब्रिज? कुसुमा ब्रिज नहीं, ये नहीं है, आगे है वो तो। लेकिन लंबा कितना देखो दादा, पूरा वहां तक जा रहा है वो। देखो दो लोग जा रहे हैं, दिखाता हूँ एक बार फोन से दिखाता हूँ। बंदा देख रहे जाते हुए, भाई साहब कितना ऊंचा ब्रिज है और लोग इसको क्रॉस कर रहे हैं नदी को। बहुत लंबा ब्रिज है, बहुत ही ज्यादा। ये आ गया जी कोई गांव। अब जो रास्ता है बिल्कुल पतला रास्ता हो चुका है। वैली देख रहे हो आप, अभी दिखाता हूँ। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना, नीचे की साइड वैली देखना कितनी खूबसूरत है। अब देखना वैली कितनी सही लग रही है ना, यहाँ पे ड्रोन शॉट कितना प्यारा आएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा भागम भाग लगी पड़ी है, टाइम पता नहीं कितना हो गया है। ये बेनी यही रास्ता जाएगा ना बेनी? ओके थैंक यू। चलो ये तो कन्फर्म हो गया कि हम सही रास्ते पे। मस्त हवा चल रही है। ओ भाई साले इधर क्यों आ रहा था तू? फैंस की आंख, अभी हो जाता कांड मुन्ना। वेलकम टू बेनी गाइस, हम पहुंच चुके हैं बेनी। और यहां से हमारे जो दो दोस्त लोग हैं, ये रे मिल गए। चलो वाओ, क्या ठंडी हवा लगी है नदी पे से, मस्त लग रहा है। बेनी बाजार माँ यहाँ हरुलाई हार्दिक स्वागत गई छे। ये लो भाई हम पहुँच चुके हैं बेनी, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। और ये है बेनी का बाज़ार और काफ़ी अच्छा खासा लंबा चौड़ा बाज़ार है। कपड़े शपड़े सब चीज़ें यहाँ पे भाई साहब, कितना रंग बिरंगा लग रहा है, देख रहे हो? ओ मैन, जो घर बने हुए ना उन पे पेंट देखो आप, हर घर का कलर अलग है, डिज़ाइन अलग है, गजब लग रहा है यार। ये तो रंग ही रंग ज़िंदगी में और इस शहर में, बेनी शहर में। यार कुछ खा ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये है यहाँ का बस स्टैंड और हमें जाना पड़ेगा लेफ्ट। यस, ये देखो भाई वॉलपेपर लगा रखा है अपना टाइगर का, बड़े वाले टाइगर का, देख रहे हो भाई क्या गजब लग रहा है ना। 1:31 हुए अभी टाइम। और यहाँ से मैं पूछ लेता हूँ एक बार, मुक्तिनाथ नहीं जॉनसन कितना है? जॉनसन कितना है भैया? जॉनसन 70 किलोमीटर। ओके ठीक है, 70 किलोमीटर है, धीरे धीरे पहुँच ही जाएंगे। और रोड ऐसा ही है ठीक। थैंक यू भैया, बोल रहे कि आगे रास्ता ठीक है और वर्षा होटल खाजा घर, मतलब कि खाने वाला घर जहाँ पे खाना मिलता है। तो भाई एक सीन हो गया है, पेट्रोल पंप रह गया पीछे, 5-6 किलोमीटर पीछे रह गया है। तो एक्चुअली मेरा एक ही डंडा डाउन हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जॉनसन में ब्लैक में मिल जाएगा तो भरवा लेंगे बॉटल में जो मिलता है। पेट्रोल आगे भी मिलेगा ना? थैंक यू। ये बोल रहे कि पेट्रोल मिल जाता है, बस बोतल में मिलेगा, बोतल में। सामान कम से कम लाना चाहिए वैसे देखा जाए तो, ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑफ रोडिंग ज़्यादा हो बेटर रहता है।
ये टाटो पानी कितना है? टाटो पानी कितना है? थोड़ा अरे ये तो अच्छा उधर है ये, ओके ये तो हंस रहे हैं यार। अरे ये कौन सी बाइक है? ये भी ऑफ रोडिंग वाली बाइक है। वो देखो भाई पहाड़ देख रहे हो भाई, अगर ऑफ रोडिंग करनी हो ना तो ये नेपाल का ये जो मुक्तिनाथ और अपर मस्तांग है ना, इसके ऊपर आके करो, मज़ा आएगा आपको। और डरमा वैली, वैसे डरमा वैली खूबसूरत ज़्यादा लगी मुझे तो यहाँ से। अभी देखते हैं आगे जाके जब मुक्तिनाथ जाएंगे, मैंने तो बहुत साल पहले देखा था तो पता चलेगा कि अब कैसा है। ये देखो भाई साहब, भाई साहब यहाँ पे ना गड्ढों को भरा नहीं गया बिल्कुल भी, मतलब जैसा गड्ढा है जितना गहरा गड्ढा उसी को उतना छोड़ दिया है। और जब बाइक जाती है तो यूं जाती है और यूं आती है। ये पहुँच गए हम ठाठो ठाठो पानी, दादा तो रुके नहीं। होटल हॉट स्प्रिंग इन, यही तो है यार जहाँ पे रुकना है, और कहाँ है होटल? नहीं आपकी बाइक में फिट नहीं होगा ये, नहीं, हो नहीं। ये कौन सा बाइक है? 190cc होंडा, होंडा XR, ओके 190cc। देखो यार यहाँ पे ऑफ रोड बाइकें चल रही हैं। कहाँ से हो आप? इधर कुछ खाने का है आगे होटल? ये टाटू पानी है ना, होटल ऊपर जाना पड़ेगा। उधर नहीं है, इधर। अच्छा इधर भी है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा भाई क्या, अच्छा अब क्या है? पल्सर, अरे डोमिनार है, डोमिनार बजाज। हाँ कहाँ रुक गए थे? हैं किसका? ओ शिट, लगा तो नहीं था। आराम से चलाओ दादा, आराम से चलाओ, ये टेरेन नहीं है भगाने का, इतनी बड़ी गाड़ी। क्या टूट गया? एक स्लोप था, ये की वजह से ना बच गए। चोट तो नहीं लगी? कहाँ लगी दिखाओ। दर्द हो रहा है? खा लेंगे यार। आगे है बोल रहे हैं। ये भाई क्या होटल बना दिया है, होटल नेचुरल स्प्रिंग। आगे वोरी वोरी भाई साहब, ये तो नेक्स्ट लेवल कर दिया, फाइव स्टार होटल बना दिया। कहाँ पे है थाली, कहाँ मिलेगी थाली? अच्छा इधर दिखाना पड़ेगा, वंसार। पीछे वाला, ये वाला अभी दिखाना, बाद में दिखाना है। नहीं नहीं हो गया, हो गया। हाँ, एक साथ ही है वो जो फोर व्हीलर है यहाँ पे लगा दो, वो जो फूल वाला है ना, फूल व्हीलर के पास फूल टॉप, वो होटल। खाना है? खाना चल, भंसार भी एक ही में हो गया, अब खाना खाते हैं यार, भूख लग रही बड़ी तेज, बड़ी भीड़ है यहाँ तो। इधर ओके गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं टाटो पानी, जैसा कि आपने अभी देखा, और यहां पे हो चुका है सीन, वो भी आपने देखा, खैर दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि हम कैप्चर नहीं कर पाए, दादा थोड़े से पीछे थे। तो दादा क्या हुआ? एक्चुअली क्या था, हम लोग डाउन ला रहे थे और ना बहुत बड़ा गड्ढा था, वो बड़े गड्ढे में हमें दिखा नहीं, तो गाड़ी पूरी ना ऊपर टंबल टॉप का ऊपर नीचे स्लिप हो गई ऊपर से। नहीं नहीं पीछे का सामने का डर उठ के जो है उन्हें डिसबैलेंस हो रही थी। अच्छा अच्छा, तो फिर वहाँ संभाल लिया गाड़ी को, संभाल लेके मेरे को अब रास्ता एक ही था, ऊपर से जाना पड़ता, तो पानी का गड्ढा होता है ना, गड्ढे गड्ढे में पानी होता है, ऊपर से जाना पड़ा मेरे को। ये था ऊपर टच हुआ वहाँ पे, चिकनी मट्टी। मैं भी एक जगह से ऐसे निकला था, सामने से गाड़ी आ गई थी। हाँ बस, तो वैसा क्या हुआ, टायर स्लिप हुआ पीछे का। ओके चलो, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, बड़े बड़े शहरों में होती रहती है, नेपाल खैर बहुत बड़ा है। तो अभी हम कर रहे हैं जी अपना लंच हो रहा है अपना, तीन बज गए हैं, और यहाँ से अभी भी जो जॉमसन है वो है 50 किलोमीटर। फटाफट लंच करते हैं, लंच में हमने मंगाई है नेपाली थकाली थाली, तो बेसिकली इसमें 3-4 सब्जियाँ होती हैं, और ये सब्जी जो आप देख रहे हैं ये कुछ पालक वाला वालक होती है, कुछ साग होता है, ये कुछ अचार सा है,
और ये थोड़ी थोड़ी सब्जी मिलती है और ये आलू की सब्जी है, पापड़ है, ये दाल होगी और ये चावल है, और ये हो गई सलाद में एक टुकड़ा गाजर और एक टुकड़ा खीरा। तो वही खाना पीना हो गया अपना, बढ़िया सा मज़ा आ गया थाली खा के। और इधर का नज़ारा देखो एक बार, मैं दिखाता हूँ, देख रहे हो भाई, मौसम हो रहा है बेईमान, यानी कि आगे मौसम ख़राब हो चुका है, बारिश भी मिल सकती है, स्नोफॉल भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। अभी रोड कैसा है आगे? 16 किलोमीटर ऑफ रोड है अभी। 16 किलोमीटर? हाँ, उसके बाद मेन रोड आएगा, प्लेन रोड आ जाएगा पूरा आगे तक। क्या बात है, मुझे तो लगा कि खराब ही रोड चलता रहेगा। नहीं नहीं, 2-3 साल के अंदर तो मुझे लग रहा है कि पूरा रोड बना देंगे। अभी अपर मस्तांग, लोअर मस्तांग, मुक्तिनाथ तक तो बन ही जाएगा। हाँ, हाथ दे रहा था ना चलो ओके, अभी ये ना हाथ दे रहा था। ये देखो काली गंडकी रिवर यार, बिल्कुल साथ साथ चलती है इस पूरे रूट पे। ऊपर से पत्थर आ रहे हैं क्या? हैं, इसके पत्ते आ रहे थे, मुझे लगा पत्थर गिर गिर के आ रहे हैं। ये देखो भाई, एक से बढ़कर एक झरने निकले हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे वाटरफॉल है, इस वजह से रुके हुए लोग। गजब लग रहा है कितना, है ना? वो देखो कितना सही लग रहा है। ये देखो यहाँ पे लोग आए हुए हैं, और गौतम भी उस साइड गया हुआ सी, सब फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। और काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है, ये सुंदर लग रहा है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही ना। ओहो, मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। और गौतम को देखो वहाँ पे बीच में जाके सेल्फी ले रहा है। भाई ये देख रहे हो कैसे जा रहा है रोड, भाई एक नंबर लग रहा है यहाँ से। लवली यार ज़बरदस्त, यहाँ पे से आराम से निकलेगा मैं। खतरनाक लग रहा है ये वाला रोड, आराम से खाई है राइट हैंड साइड पे, हम उधर नहीं जाएंगे। बहुत सही, मज़ा आ गया देख के भाई साहब। अब तगड़े वाला ऑफ रोड शुरू हो गया, देख रहे हो। अगर यहाँ पे स्पीड स्लो करी ना थोड़ी सी, तो दिक्कत होगी चढ़ने में। क्या ही बवाल रोड हो गया ये तो। वो तो भाई बोल रहा था कि पूरा बन गया है, ये बन गया है, उसने मज़े लेने के लिए बोल दिया था कि भैया बन गया है। अरे भाई 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 भाई, भाई। ये है मस्तांग के मज़े। चल बेटा टाइगर, चढ़ जा सही है सही है। यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट है। अरे रे 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 रे, ये देखो यहाँ पे शादी हो रही है शायद, नाच रहे हैं लोग नेपाली। क्या बात है, सही लग रहा है यार ये तो। हेलो गाइस अरे वाह, ये देखो, बस बस एक मिनट अब बस निकल रहे हैं, वी आर गोइंग। हेलो, हाय, यस, लोअर मस्तांग, मुक्तिनाथ, व्हाट इज दिस? आर्चरी, ओके ग्रेट, ओए जबरदस्त, ये देखो, देखो मेरे मेरा, देखो 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 कहाँ पे जाके लगा है, सही है यार,
डाल दे। अच्छा सुबह दे दूँ। हाँ हाँ उसमें से डाल दे काउंटर में से। कोई नहीं। अच्छा ये हो क्या रहा है वैसे, इवेंट किस चीज़ का? क्या इवेंट किस चीज़ का है? इट्स अ मैरिज और समथिंग एल्स? क्या बोला, हमको तो पता नहीं। मैं बोल रहा हूँ ये शादी हो रहा है या कुछ और हो रहा है? हमको तो ये ट्रेडिशनल टूर्नामेंट हो रहा है। अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है? यस है ना। अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है आज कल? अच्छा आर्चरी का टूर्नामेंट हो रहा है। ओके मुझे लगा अंदर है। अच्छा अच्छा अंदर ये कुछ है यार। यहाँ पे हो रहा है भाई टूर्नामेंट। कैन आई कम देयर? आई वांट टू शूट द वीडियो। नहीं नहीं हियर 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 थैंक यू। देख रहे हो कितनी दूर मारेगा ये भाई। चलो निकला जाए, बहुत दूर जाना अभी। यहाँ से 38 किलोमीटर है और पूरा ऑफ रोड है। सामने की पहाड़ियाँ देखो भाई साहब, पूरी बर्फ में लदी पड़ी है। आसमान है, बर्फ है, जो भी है, लेकिन खूबसूरत है। भाई बहुत सुंदर नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा है सामने का। कितना सही लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये रास्ता सीधा स्वर्ग जा रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ ही आ गए यार, दिस इज नेक्स्ट लेवल। ओ मैन दिल खुश हो गया। अब वहां के जो रोड का पेन था ना बिल्कुल खत्म हो गया। सामने के पहाड़ देखो यार, सामने के पहाड़ देखो, ऐसा लग रहा है कि क्या ही माउंट एवरेस्ट से बिल्कुल सामने, इतना ऊंचा, जबरदस्त। बीच बीच में ऐसे पैचेस भी बने हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मौसम ने ना एकदम से करवट बदली है और इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है, मेरे हाथ सुन्न हो गए हैं, पैर सुन्न हो गए हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि नेगेटिव में टेम्परेचर चला गया है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ियाँ भी बर्फ़ वाली नज़र आ रही है अब तो मुझे। ये देख रहे भाई, अलग ही लेवल की लैंडस्केप में चेंज आया है। ये देखो यार अन्नपूर्णा रेंज क्या लग रही है यार, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। उधर पहाड़ देखो कितना ऊंचा पहाड़ है वो, और वही बर्फ़ का। ऐसे पहाड़ ना इंडिया में नहीं देखने को मिलते इतने ऊंचे। हाँ पंचाचूली जो पीक है वो काफ़ी ऊंची दिखाई देती है, आप बिल्कुल उसके पास पहुंच सकते हो, लेकिन यहाँ से रोड से ना इतना ऊँचा लग रहा है वो पहाड़ बहुत ज़्यादा। अब ये नहीं पता कि GoPro में कैसा आ रहा होगा, लेकिन एक नंबर नज़ारा है, एक नंबर।
और शाम के बज चुके हैं जी 6:30 और यहाँ से अभी 15 किलोमीटर बाकी है। एक्चुअली क्या है, हम फ़ोटो वीडियो वगैरह लेते हुए जा रहे हैं, तो क्योंकि अब रोड ठीक ठाक है तो फ़ोटो वीडियो लेने में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि ऑफ रोड में क्या होता है कि भाई आपको निकलने की जल्दी रहती है, तो इस वजह से फ़ोटो वीडियो हो नहीं पाती है। अब क्या है कि नज़ारे थोड़े से अच्छे हैं तो कोशिश कर रहे हैं ले पाए। जॉनसन आ गया क्या? वो आगे खड़ा हुआ है। थकाली किचन, हाँ ये जॉनसन है, ये मार्था जॉनसन है, 6 किलोमीटर। तो जॉनसन चलते हैं 6 किलोमीटर। हाँ देख लो, सामान ले जाएगा कोई कोई लड़का है सामान ले जाने के लिए? भाई साहब सामान अपना बहुत है ना, इसीलिए तो ये इतना छोटा तो नहीं चलेगा मैडम जी, नहीं चलेगा नहीं। तो ये भी ये कितने का है? ये तो 2000 का है। 2000 का है ना ये तो।